एक टाइम था इंटरनेट ने देश में क्रांति लाने का काम किया था। अब इसी इंटरनेट की दुनिया में बादशाहत हासिल करने की जंग फिर एक बार शुरू होने जा रही है, जिसमें बिड़ला से लेकर मित्तल और अडानी से लेकर अंबानी तक सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। खबर है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट डॉट मोबाइल फोन सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करने जा रही है। इसमें 96,317.65 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड नीलाम किए जाएंगे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इस नीलामी की तारीख 20 मई तय की है, यानी 20 मई को होगी देश के दिग्गज कारोबारियों में जंग। इस नीलामी में दिवाला प्रोसेस से गुजर रही कुछ कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम के साथ साथ इस साल खत्म होने वाली फ्रीक्वेंसी को भी नीलामी में रखा जाएगा। इस नीलामी में 800 से लेकर 900, 1800, 2100, 2300, 2500 और 3300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को नीलामी में रखा जाएगा। इच्छुक कंपनियां 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं, फिर 13 और 14 मई को मॉक नीलामी होगी और रियल सेल 20 मई को शुरू हो जाएगी। वैसे हो सकता है कि इस नीलामी में बोली की रफ्तार आपको थोड़ी सुस्त दिखाई दे। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 मई को होने वाली इस नीलामी में बिक्री के लिए आने वाले रेडियो वेव्स 10 गीगाहर्ट्ज हैं, जो पहले की तुलना में बहुत कम है। अब क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने पिछली नीलामी में ही अपने ज्यादातर बैंडविड्थ जरूरत को पूरा करने के लिए काफी वॉल्यूम में खरीदारी कर रखी है, तो ऐसे में इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का मानना है कि नीलामी थोड़ी स्लो रह सकती है। कारण, टेलीकॉम प्लेयर्स को 5G से रिलेटेड एयरवेज की ज्यादा जरूरत नहीं है। नीलामी में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा कुछ चुनिंदा खरीदारी दिखने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें कुछ सर्किल्स में अपने एयरवेज को अपडेट करने की जरूरत है। इसके अलावा अडानी ग्रुप लोअर स्पेक्ट्रम बैंड में कुछ एयरवेव्स खरीद सकता है। आपको याद होगा, पिछली नीलामी में एयरवेव्स पर $11 बिलियन से ज्यादा खर्च करने के बाद जियो 2022 की टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे बड़ी खरीदार बनी थी। उस साल केंद्र सरकार ने नीलामी के माध्यम से $19 अरब की कमाई की थी। देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन हाई लेवल पर है, इस कारण उनके मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और एक्स्ट्रा एयरवेज के लिए उनकी बोलियों के साइज पर भी इससे असर पड़ रहा है। फिलहाल एयरटेल को जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और असम में अपने एयरवेव्स को नया करने की जरूरत है और वोडाफोन आइडिया को पश्चिम बंगाल और वेस्ट यूपी में अपने लाइसेंस को रिन्यूअल करने की जरूरत है, जिसके लिए जेफरीज के अनुसार एयरटेल को लगभग 4,200 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। वोडाफोन आइडिया को 1,950 करोड़ रुपए के एयरवेव्स को रिन्यू करने की जरूरत होगी, जबकि मार्केट लीडर रिलायंस जियो के पास इस साल के लिए कोई स्पेक्ट्रम रिन्यूअल नहीं है। आपको बता दें, 5 सर्कल में भारतीय एयरटेल का टेलीकॉम स्पेक्ट्रम 9 फरवरी को समाप्त हो गया है और 1 मार्च में समाप्त होने वाला है। वहीं पश्चिम बंगाल और यूपी वेस्ट में वोडाफोन आइडिया का स्पेक्ट्रम भी समाप्त हो गया है, जिससे कंपनी को लगातार यूज के लिए अनुमति लेनी पड़ी। कुल मिलाकर इन कंपनियों में जंग देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं इस बार की जंग में कौन बाजी मारता है।